हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन में। तो आज अपन बात करने वाला जो आपके एग्जाम आने वाले हैं बीएस सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स का, या इसके अलावा यूपी सीएचओ, इसके अलावा पंजाब सीएचओ, हिमाचल सीएचओ, या एचएसएससी एग्जाम आने वाला, या कोई भी आपका निमांस नॉर्थ सेट एग्जाम आने वाले, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन है वो आज से अपन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डेंगू इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ वायरस। आपके सामने ऑप्शन है ए अल्बू, बी कोलेक्स, सी अर्गो, या डी एडिक्स। आप अपने आंसर देख सकते हो कि डेंगू कौन से वायरस के कारण होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, आप एक बार आंसर दे दीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। देन अपन डिस्कस करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपसे मॉस्किटो पूछ रहा है या वायरस पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरबो वायरस, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, वायरस के बारे में पूछा गया है। तो वायरस बताना है आपको डेंगू डिजीज के लिए, अरबो वायरस। अगर आपसे पूछते मॉस्किटो किस मॉस्किटो के कारण होता है, तो आपका आंसर जाता एडिस मॉस्किटो के कारण डेंगू डिजीज होती है। डेंगू डिजीज में भी चार सीरो टाइप होते हैं, जिसमें डेंजरस कौन सा होता है, सीरो टाइप टू मोस्ट डेंजरस होता है इसमें डेंगू डिजीज में। अगला क्वेश्चन आपके इस प्रकार है, प्लाज्मोडियम कोजेस द विच कंडीशन। प्लाज्मोडियम कौन सी कंडीशन कोज करता है? आपके आंसर आप दे सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी येलो फीवर, ऑप्शन डी जेई। जेई की फुल फॉर्म क्या होती है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। तो प्लाज्मोडियम कौन सी कंडीशन कोज करता है? तो प्लाज्मोडियम जो मॉस्किटो है वो क्या कोज कर देगा? मलेरिया कंडीशन कोज करता है। इसके अलावा अपन कुछ मॉस्किटो देखेंगे, जैसे एडिस एगिप्टी मॉस्किटो डेंगू कोज करता है एंड येलो फीवर कोज करता है। वहीं कुलेक्स मॉस्किटो क्या करेगा? जापानी एन्सेफेलाइटिस कंडीशन को कोज करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ओपीवी वैक्सीन को डाइल्यूशन करने के बाद में, यानी डाइल्यूटेड कर लिया उसके बाद में, कितने टेम्परेचर पे अपन क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि ओपी वैक्सीन डाइल्यूशन का मीनिंग इसमें हो गया कि ओपी वैक्सीन को क्या कर दिया, ओपन अपन ने कर दिया कोई वैक्सीन, उसके बाद में अपन को स्टोरेज टेम्परेचर कितना रखना है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो आपका ऑप्शन है 0 डिग्री, ऑप्शन बी -20 डिग्री, ऑप्शन सी +2 से +8 डिग्री, एंड ऑप्शन डी +20 डिग्री सेल्सियस। देखो ओपी वैक्सीन डाइल्यूशन से यहाँ मीनिंग ये निकल रहा है कि ओपी वैक्सीन अपन को प्रोवाइड करने का टाइम आ गया, और प्रोवाइड करने का टाइम आ गया तो अपन को कितने टेम्परेचर पे इसको स्टोर रखने की जरूरत रहेगी। अगर बात करें नॉर्मली ओपी वैक्सीन के टेम्परेचर की, तो -20 डिग्री पे अपन एवरेज रखते हैं, -15 से -25 पे अपन रख सकते हैं। लेकिन जब ओपी वैक्सीन की आ जाए, क्या कंडीशन आ जाए कि अपन को उसको प्रोवाइड करने का टाइम आ गया, सब सेंटर पे उसको लेके चले गए या विलेज लेवल पे लेके चले गए, तो ओपी वैक्सीन को अपन +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन स्टोर रखते हैं। यहाँ पे ओपी वैक्सीन डाइल्यूशन का मीनिंग ये रहेगा कि ओपी वैक्सीन का अब अपन ने क्या दे रहे, वैक्सीन प्रोवाइड करने का टाइम आ गया, तब कितने टेम्परेचर पे अपन मेनली रखते हैं, तो +2 से +8 डिग्री पर अपन रखते हैं, -20 डिग्री पर अपन नॉर्मली रखते हैं। ओपी 0 डोज शुड बी गिवन हाउ मच टाइम आफ्टर बर्थ। यानी याद रखना ओपीवी 0 डोज होती है, जैसे 8 बर्थ पे अपन 3 डोज प्रोवाइड करते हैं, बीसीजी प्रोवाइड करते हैं, हेपेटाइटिस वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, एंड ओपीवी 0 डोज अपन प्रोवाइड करते हैं। तो ओपीवी 0 डोज कब प्रोवाइड की जाती है? विद इन 5 डे, विद इन 15 ईयर डे, विद इन 5 ईयर, या विद इन 15 ईयर अपन को प्रोवाइड करनी होती है। जो ओपीवी 0 डोज होती है उसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, विद इन 15 डे अपन प्रोवाइड करना होता है। लेकिन बाकी जो भी वैक्सीन है ओपी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड या बूस्टर डोज की बात कर ले, तो वो अप टू 5 ईयर तक अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन 0 डोज विद इन 15 डेज में ही अपन को प्रोवाइड करने जरूरी है। देन अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज कैन बी डिसकंटिन्यू इफ एनिमल रिमेंस हेल्दी थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन पीरियड ऑफ। यानी अपन क्या कर सकते हैं, रेबीज कंडीशन किसी को हुई है, यानी किसी ने डॉग या केट ने किसी को बाइट कर लिया, उसके बाद में अपन को ट्रीटमेंट को कब डिसकंटिन्यू करना है, यानी एनिमल को कब तक ऑब्जर्वेशन रखेंगे, है वो ऑब्जर्व एनिमल क्या है, हेल्थी माना जाएगा कितने दिनों तक, तब जाके अपन रेबीज के ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने 5 डे, ऑप्शन बी 8 डे, ऑप्शन सी 10 डे, और ऑप्शन डी 12 डे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा?
तो अपन मेनली 10 डेथ तक अपन क्या करते हैं, डॉग या केट को क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर उसने बाइट कर लिया, अगर डॉग एंड केट क्या हेल्थी अवस्था में रहेगा 10 दिनों तक, तो उसके बाद में अपन रेबीज का डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करेगा, आप लेना चाहते हो रेबीज का ट्रीटमेंट या नहीं लेना चाहते। लेकिन 10 डे तक अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, यानी जिस डॉग ने काटा है, जिस केट ने काटा है, उसको ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे 10 दिनों तक। अगला क्वेश्चन इस प्रकार, व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का अर्ली साइन क्या है? ऑप्शन ए असिम्प्टोमेटिक है, ऑप्शन बी पेन है, ऑप्शन सी बैकएक है, या ऑप्शन डी ब्लीडिंग पर वजाइना। तो याद रखना, अगर अर्ली पूछे, क्योंकि सबसे जल्दी साइन क्या देखने को मिलता है, असिम्प्टोमेटिक सर्वाइकल कैंसर में शुरुआती दिनों में असिम्प्टोमेटिक पेशेंट रहता है, तो इसका राइट आंसर तो ए होगा। उसके बाद में अगर पूछे सर्वाइकल कैंसर में मेनली कौन सा साइन देखा जाता है, तो जो होगा वो होगा ब्लीडिंग पर वेजाइना मेनली देखा जाएगा सर्वाइकल कैंसर में, लेकिन शुरुआती स्टेज में असिम्प्टोमेटिक रहेगा पेशेंट। मोस्ट कॉमन कैंसर ड्यू टू ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, मेनली कौन सा कैंसर देखा जाता है ऑक्यूपेशनल, जो वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, लोग वर्क करते हैं, उनमें मेनली कौन सा कैंसर देखने को मिलता है? तो ए स्टोमक ब्रेस्ट कोलन, ऑप्शन बी स्किन लंग्स ब्लैडर, ऑप्शन सी किडनी लिवर स्किन, या ऑप्शन डी ओरल एक्सट्रीमिटी बोन मैरो। तो इसमें राइट आंसर होगा मेनली कौन सा देखा जाता है, स्किन लंग्स एंड ब्लैडर कैंसर मेनली देखा जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर तीनों में से अपन पूछे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर कौन सा हो गया, तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्किन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल कैंसर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट है। वैसे तीन कैंसर में पूछे तो ऑप्शन बी में से स्किन मोस्ट कॉमन टाइप होगा आपका। हाउ मच अमाउंट पेड फॉर आशा अंडर JSY, जननी सुरक्षा योजना में आशा वर्कर को, आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसको कितनी पेमेंट मिलती है पर केस पे? तो ऑप्शन ए 300 रुपये पर केस, ऑप्शन बी 200 रुपये पर केस, ऑप्शन सी 100 रुपीज पर केस, ऑप्शन डी 500 रुपीज पर केस। तो आशा वर्कर को जननी सुरक्षा योजना के तहत 200 रुपीज यानी 200 रुपये पर केस के मिलते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ डिस्पोजल ऑफ मरकरी, जो मरकरी होती है उसका सेफ मेथड कौन सा है डिस्पोजल का? ऑप्शन ए बरी अंडर अर्थ, ऑप्शन बी ट्रीट विद केमिकल, ऑप्शन सी ऑटोक्लेव एंड डिस्कार्ड, एंड ऑप्शन डी कलेक्ट केयरफुली एंड यूज। मेनली मरकरी को डिस्कार्ड नहीं किया जाता, मेनली डिस्पोजल का मेन मैकेनिज्म क्या रहेगा, उसको कलेक्ट करना रहेगा, लीड कंटेनर में अपन क्या करेंगे उसको कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में केयरफुली कलेक्ट करने के बाद में यू रीयूज करने चाहिए मरकरी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, MMR वैक्सीन शुड बी गिवन एट द एज ऑफ, याद रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, MMR वैक्सीन पूछ रहा है ना कि MMR या मिजल्स वैक्सीन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 0 से 14 डे, ऑप्शन बी 9 से 12 मंथ, ऑप्शन सी 11 से 21 मंथ, और ऑप्शन डी 15 से 18 मंथ। तो MMR वैक्सीन कब दी जाती है, 15 से 18 मंथ दी जाती है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता मीजल्स मम्स रूबेला की, डायरेक्ट पूछता मीजल्स रूबेला या मीजल्स वैक्सीन कब दी जाती है, तो 9 से 12 मंथ ऑप्शन बी राइट आंसर जाता, लेकिन MMR वैक्सीन के लिए 15 से 18 मंथ अपन प्रायोरिटी रखते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ऑल वैक्सीन सेट इन PSC लेवल इज स्टोर्ड इन, कहाँ पे स्टोर करेंगे PSC लेवल पे, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम, या ऑप्शन डी कोल्ड बॉक्सेस। तो ओल्ड वैक्सीन जितने भी होती है उसको PSC लेवल तक ही स्टोर किया जाता है। जो अपन बात करते हैं सब सेंटर एंड विलेज लेवल पे वैक्सीन टाइम पे क्या करते हैं PSC लेवल से मंगवाया जाता है, यानी स्टोरेज लेवल PSC लेवल तक ही मानेंगे। PSC के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट एंड रीजनल लेवल अपन मान सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल अपन मान सकते हैं, लेकिन स्टोरेज लास्ट लेवल PSC ही होता है। तो इसमें मेनली किस में स्टोर किया जाता है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है कोल्ड चेन के लिए, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर मोस्ट कॉमन क्या है, एक तरह से कंपोनेंट माना जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाइल अप्लाइंग सक्शन फॉर एक्सेसिव सेग्रेशन इन न्यू बॉर्न बेबी, व्हिच पार्ट नीड्स टू बी सक्शन फर्स्ट,
अपन को न्यू बॉर्न बेबी में सक्शन करना है तो सबसे पहले कौन सा पार्ट अपन सक्शन करेंगे? ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी नोज, ऑप्शन सी देयर इज नो ऑर्डर, डी बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ सिक्रेशन। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? इसमें राइट आंसर जाएगा माउथ। सबसे पहले अपन माउथ का सिक्रेशन करते हैं क्योंकि एस्पायरेट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए सबसे पहले माउथ, देन अपन फॉलो करते हैं नोज को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर अप टू, कब तक स्टोर कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को रेफ्रिजरेटर में? तो ऑप्शन ए 4 आवर, ऑप्शन बी 8 आवर, ऑप्शन सी 12 आवर और ऑप्शन डी 24 आवर। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो 24 आवर तक अपन स्टोर रख सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को। वही ORS को भी अपन क्या करते हैं, डायल्यूट करने के बाद में, यानी ORS का घोल बना लिया, क्या बना लिया, वाटर के साथ मिक्स कर लिया, तो उसके बाद 24 आवर तक अपन को यूज करना है, 24 आवर बाद में अपन को क्या करना है, उसको डिस्कार्ड करने की जरूरत रहेगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसमें। अगला क्वेश्चन है, अंडर RBF के हेल्थ स्क्रीनिंग इज डन अंडर ईयर्स ऑफ, यानी जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग कितने साल के बच्चों की स्क्रीनिंग करनी जरूरी है? तो अप टू 5 ईयर, अप टू 10 ईयर, अप टू 15 ईयर या अप टू 18 ईयर। तो इसमें राइट आंसर होगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अकॉर्डिंग होगा, अप टू 18 ईयर तक अपन को स्क्रीनिंग करनी जरूरी रहती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन अगला क्वेश्चन है, द डाइल्यूएंट यूज फॉर BCG वैक्सीन के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज करते हैं? डिस्टल वाटर, नॉर्मल स्लाइन, डेक्सट्रो सॉल्यूशन, रिंगर, लैक्टेट। तो BCG वैक्सीन के लिए अपन क्या करते हैं, नॉर्मल स्लाइन यूज करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल स्लाइन यूज करते हैं। वही अगर बात करें आपसे मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन को डिस्टल वाटर से अपन डाइल्यूट करते हैं। वही आपसे बात करें जापानी एंसेफेलाइटिस, इसको फॉस्फेट बफर स्लाइन से अपन डाइल्यूट करते हैं। BCG वैक्सीन का राइट आंसर होगा नॉर्मल स्लाइन, आपका राइट आंसर होगा। मीजल्स का भी बता रखा है डिस्टल वाटर से करते हैं, और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और है जापानी एंसेफेलाइटिस को अपन किससे डाइल्यूट किया जाता है, मेनली जापानी एंसेफेलाइटिस को अपन डाइल्यूट करते हैं किससे, फॉस्फेट बफर स्लाइन से। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेनली एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन इनसे ही पूछे जाते हैं। तो BSF सब इंस्पेक्टर की कोई तैयारी कर रहा है स्टाफ नर्स के लिए, UPCHO, MPCHO, PCHO या किसी भी रीजनल, किसी भी स्टेट का CHO एग्जाम हो, नॉर्थ सेट एग्जाम हो, इसके अलावा निमांस एग्जाम हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। थैंक यू।